हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एमएससी थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक न्यूज़ शेयर कर देती हूँ। पीडब्ल्यू ने अपना जो विश्वास दिवस है वो बनाया है, सेकंड विश्वास दिवस। आपको पता है अगर आपको लाइफ में आगे रहना है, सबसे अलग रहना है, तो आपको डेडिकेशन प्लस डिटर्मिनेशन प्लस फोकस करना है अपनी, जो आप पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो। तो यूपीएससी का बैच ले सकते हो आप, शोध बैच जो कि सीएसआईआर के लिए है, और इसका प्राइस अभी आप सो देख सकते हो कितना कम हो गया है विश्वास दिवस की वजह से। सिर्फ 2100 रुपये में आपको ये बैच मिल रहा है, इतने सस्ते में कहीं भी नहीं मिलेगा। और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो मेरा कूपन कोड SAM300। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स के थ्रू क्लासेस कराई जाती हैं, आपको टाइम टू टाइम जो लास्ट क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कराए जाते हैं। और देखिए पीडब्ल्यू इतने सस्ते में घर बैठे हर बच्चे तक अपनी एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए उन तक पढ़ाई पहुंचाना चाहता है, एजुकेशन पहुंचाना चाहता है। तो पीडब्ल्यू से बेस्ट आपके लाइफस्टाइल के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा खुद का एम है कि एक दिन मैं पीडब्ल्यू की तरह ही कहीं पहुँचूँ और हर एक बच्चे के लिए बहुत कम प्राइस में एक अच्छी एजुकेशन जाए। तो सीएसआईआर के लिए लिंक मैंने सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी, चेकआउट करके आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच सकते हो। अब आ जाते हैं हमारी आज की क्लास पे, जो कि है एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा आया है थर्ड सेमेस्टर के लिए इस साल, वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर की सभी क्लासेस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अब तक नहीं देखी है तो देखिए, एमएससी के लिए फ्री में आपको इससे अच्छा चैनल नहीं मिलेगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री सेक्शन ही होता है वेरी शॉर्ट टाइप का, जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। 2 मार्क्स का ये पेपर होता है, जो क्वेश्चन एक होता है, एंड इसमें फर्स्ट देखिए मेन मीडियन से आया है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करा रखा है, हर एक साल रिपीट होता है ये क्वेश्चन। देन जो आपकी न्यूट्रॉन रेडिएशन सोर्स है, ये क्वेश्चन आपसे वेरी शॉर्ट में पूछा गया है, ठीक है। आप देख सकते हो कि दोनों क्वेश्चन हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक करोगे तो ये सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज़ गो एंड चेकआउट। तब आप प्लेलिस्ट देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन से पे क्लास है और कौन से पे टॉपिक पे क्लास नहीं है। देन आपको गैस क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन आया है, गैस क्रोमेटोग्राफी नोट्स के साथ मैंने आपको ऐसे कराई है जो नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। देखिए मेरा काम कराने का है, आपका काम पढ़ने का है, बट वो चीज़ें आप कितने अच्छे से करते हो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। देन आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड जो होती है वो भी मैंने कराई हुई है। मुझे नहीं लगता इस पेपर में एक भी ऐसा क्वेश्चन है जिसकी क्लास आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, मेरे चैनल पे सभी मैंने करा रखे हैं। अब आपका सेक्शन भी आ जाता है जो कि शॉर्ट टाइप का होता है, इसमें एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है, आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, चॉइस मिल जाती है 3 क्वेश्चन है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा। तो सबसे फर्स्ट आया है फैक्टर अफेक्टिंग द लिमिटिंग करंट इन पोलेरोग्राफी, ठीक है। देन HPLC से आया है, पोलेरोग्राफी आपके लास्ट के रेडियो एक्टिव के चैप्टर में है, वहाँ मैंने कराई हुई है, बहुत डिटेल में नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर के मैंने आपको कराए हुए हैं, ठीक है। देन DSC कर्व से क्वेश्चन आया हुआ है। अब आ जाता है हमारा सेक्शन सी, जो कि लॉन्ग टाइप का होता है, जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए उसके लिए मैंने एक स्पेशल क्लास बनाई है जो कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, पर्सनल आपकी कोई क्वेश्चन है कोई डिटेल है उसके लिए, तो उसके लिए मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो दोनों ही जगह, क्योंकि वहाँ आप डायरेक्टली अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। हालांकि YouTube पे भी हमेशा आपको रिप्लाई मिलता है, बट फिर भी आप चाहते हो तो आप इंस्टा पे एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका थर्मोग्रेविमेट्री से क्वेश्चन कराया हुआ है, सेकंड है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, है ना, TLC कराई हुई है, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जो मैंने आपको नहीं कराया हुआ। और इसी टाइप से आपको सभी क्वेश्चन सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका रेसिडुअल करंट से, ठीक है, ये भी पोलेरोग्राफी से है, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है, ठीक है। बट इसमें देखो क्वेश्चन का तरीका चेंज कर दिया है, वो तरीके पे आपको फोकस करना है। पेपर तो है इजी बट तरीका आपको लिखना कैसे, पहले आपको पोलेरोग्राफी को एक्सप्लेन करना है, देन ऑक्सीजन जो मेथड यूज़ करें उसे रिमूव कैसे करेंगे वो मेथड भी शेयर करना है। तो ये अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही आपका माइंड सेटअप चेक किया जाता है। देन आपका NAA न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस पूरे यूट्यूब पे, कोई आपको इसे नहीं समझाएगा जैसे मैंने समझाया हुआ है, एंड हैंडमेड नोट्स टेलीग्राम पे फ्री में शेयर कर रखे हैं, तो वहाँ से देख लेना। देन आपको ब्रीफ नोट्स लिखने हैं, मेथड फॉर रिपोर्टिंग एनालिटिकल डाटा, स्टैटिकल इवैल्यूएशन ऑफ डाटा एरर, तो ये सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले थे इस पेपर में।
स्टैटिकल रिलेशन डाटा का है ना, एरर से है ये, एरर एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से इस बार क्वेश्चन नहीं आया, एरर से आया है, बट दोनों ही क्वेश्चन कैसे ना कैसे आपको देखने के लिए हमेशा मिलते हैं। तो बाय बाय, चैनल को फॉलो कर लेना सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए।